नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अमित मुरारी ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज बताता हूँ, आजकल बारिशें चल रही हैं, बारिश का मौसम है पूरे ऑल इंडिया में लगभग। तो क्या होता है कि दोस्तों लोगों के यहाँ पानी भर जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जैसे उस तरफ एक होल होता है, आपको उसको साफ़ रखना चाहिए ताकि आपके यहाँ पे प्लग में पानी ना ठहरे। BS6 में दोस्तों कई क्वेश्चन आए, BS6 में पानी आता है आपके BS6 बाइक में। BS6 बाइक में सिंगल प्लग होता है और आपका पानी यहाँ से साइड से फिंस के यहाँ से ड्रेन हो जाता है, उसमें कोई होल नहीं होता उस साइड। परंतु दोस्तों इसमें उधर से होल बंद हो जाता है परली तरफ। मैंने आपको उसके लिए वीडियो भी बना दिखा रखी है और वो आपने अच्छी लाइक भी करी है। तो दोस्तों ये बता रहा हूँ कि अगर इस पानी रह जाता है तो क्या होता है, पानी रह जाता है तो आपकी गाड़ी वॉशिंग के बाद या बारिश में भीगने के बाद स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों क्या इसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है देखिए दोस्तों प्लग कैप। ये दोस्तों क्या है, ये प्लग कैप एक प्लास्टिक ने बैकलाइट की है, बैकलाइट एक मटेरियल है उसकी होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये शॉर्ट हो जाती है पानी से तो क्या करती है, तो ये प्लग के आपके ये साइडों से करंट देना शुरू कर देगी, या तो आपकी बाइक मिसिंग मारेगी या स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर देगी। ये शॉर्ट हो के कम करंट बनाती है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ये देखिए कम करंट बनाने लग जाती है। तो क्या होता है, प्लग आपके प्लग में जो करंट आना चाहिए वो साइड से कहीं ना कहीं लीकेज होता है। तो ये दोस्तों ये रिपेयर नहीं हो सकती, इसका इलाज है देखिए दोस्तों कि इसको नहीं रिप्लेस करते हैं। इसका पार्ट नंबर है दोस्तों KAC0020A, पार्ट नंबर है इसका। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो प्लग कैप दे रखी हैं आपकी UC मॉडल की। इसको खोल कर दिखाता हूँ आपको, देखिए तो मैं खोल कर दिखाता हूँ क्या है इसमें। दोस्तों इसमें एक आपका जो किक वाली साइड प्लग होता है, पतला छोटा प्लग होता है, एक उसकी कैप है और एक आपका जो दूसरा प्लग है, जो इस तरह का प्लग है गियर वाली साइड, ये देखिए ये इसकी कैप है। तो जब भी आपकी बाइक वॉशिंग के बाद या वैसे मिसिंग करती रहती है पानी लगने के बाद या स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इनको दोनों को चेंज कर देना चाहिए। और ध्यान से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसके अंदर कैसे फिट होंगी। इसके अंदर स्क्रू सा अंदर ही फिट है, स्क्रू टाइप का है, इसके अंदर थ्रेड से बने हुए स्क्रू के अंदर। तो ये आपके क्लॉक वाइज आपके अंदर चढ़ जाएगा, ठीक है आगे। तो दोस्तों ये इसके अंदर क्लॉक वाइज चढ़ेगा और ये एंटी क्लॉक वाइज को खोल लेंगे, देखिए एंटी क्लॉक वाइज को खोल लूँगा, एंटी क्लॉक वाइज ही खुलेगा, फिर क्लॉक वाइज ही इसमें चढ़ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर, इसके अंदर जो फेंसा बना हुआ उसके अंदर इसको नए को हम कैसे लगाना है, कुछ नहीं करना अपने पास, सिंपल ऐसे बाहर लेंगे इसको, दोबारा हम क्लॉक वाइज ऐसे चढ़ा देंगे थोड़ा सा इसको कैप को पीछे करके, रबड़ कैप को। हमें देखिए इसको ऐसे सिंपल हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज खुलेगा और क्लॉक वाइज को चढ़ा देंगे। तो इसको लगाने के बाद अब इसको सिंपल ऐसे हम फिट कर देंगे। तो इसके बाद क्या देखेंगे आप, इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम और मिसिंग इसकी दूर हो जाएगी पानी लगने के बाद। जैसे भीगने के बाद गाड़ी लेट स्टार्ट होती है या प्रॉब्लम करती है या पानी लगने के बाद हल्की हल्की मिसिंग करती है, तो क्या होता है वॉशिंग कराने के बाद गाड़ी बहुत देर में स्टार्ट होती है, तो इसका मेन रीज़न होता है प्लग कैप। तो इसको जल्दी हो सके तो जल्दी से जल्दी इसको, अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। मैं आपको उसका पार्ट नंबर उसके MRP दिखा चुका हूँ, इसकी MRP 155 है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।